आज मैं हूँ अपना रॉयल एनफील्ड क्लासिक, मेरा पहला एनफील्ड का गाड़ी बाइक, उसका फास्ट सर्विसिंग है, 250 किलोमीटर के आसपास लगभग हो गया है, तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। ये मेरा गाड़ी पूर्णिया में लिया हुआ है, लेकिन इसका नंबर मेरा नदिया का है। यहाँ पे उल्टा दिखाई देगा, मैं सीधा करके दिखा दूँगा। ये भाई लोग आज मेरे गाड़ी का फास्ट सर्विसिंग करवा देंगे। ये सब मिस्त्री है रॉयल एनफील्ड पुरुलिया के देवी मोटर्स का शोरूम में है। ये लोग मेरे गाड़ी का नंबर ये नदिया डिस्ट्रिक्ट का है, जबकि मैं पुरुलिया में हूँ, आप लोग जानते हैं। ये देखिए मेरे गाड़ी का नंबर WB52BF9509। आज इसका फास्ट सर्विसिंग 250 किलोमीटर। ये दो मिस्त्री आज काम करेंगे मेरे गाड़ी के लिए, भाई भी करेगा सामने वाला। ये देखिए कितना खूबसूरत घूमते हैं, ये भाई भी करेंगे। आज मेरा गाड़ी का थोड़ा पूरा नया बनाएगा मुझको लग रहा है। आप लोग रहिए, मैं बीच बीच में आप लोगों को दिखाते जाएंगे हमारा गाड़ी का क्या क्या हो रहा है, फास्ट सर्विसिंग में क्या क्या होता है। करीब 1500 के आसपास खर्चा लगेगा। ऑलरेडी एक आने के साथ साथ इसका जॉब कार्ड निकाला गया है, पूरा चेसिस नंबर दे के कंप्यूटर में, उसके बाद ये भाई लोगों को बोला गया है। और ये देखिए इसका शॉप का अंदर वाला है, यहाँ से सामान लिया गया है, अभी सब कुछ ठीक ठाक करेंगे भाई लोग। यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है इसमें, ये देखिए पूरा नाट खोलने वाला मशीन ना, इसी मशीन से हवा भर रहा है, इसी मशीन से हवा भर रहा है, ये वाला धूल फूल इसमें हट जाएगा। और ये वाला मशीन से नाट वगैरह खुल रहा है एकदम झपा झप, ये सब नाट खोल के रख दिया है। ये सामने वाला ब्रेक का चीज़ खुला है, अभी मैं पहले ही बताया हूँ फास्ट सर्विसिंग चल रहा है मेरा गाड़ी का। देखो मेरा जो 11 फ्रीडम था उसका नाम रखा था बासंती, अब इसका नाम अभी तक नहीं रखा हूँ, सोच रहा हूँ बीरू रखूँगा, कुछ तक तो रखना है। ये भाई आप बताइए ये क्या क्या आज इसमें आप लोग बदलेंगे, इसका क्या क्या सर्विसिंग होगा? इसका मोबिल होगा, मोबिल होगा, मोबिल होगा, इसका गैसकेट लगेगा। हाँ फिर खुलेगा इसका, अच्छा टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चीज़ खोल देंगे। हाँ तो खोल देंगे, पीछे वाला ब्रेक पेड साफ करेंगे, भरने वाला भी कर देंगे। अच्छा अच्छा, फिल्टर भी साफ करेंगे। अच्छा अच्छा, ये सब चीज़, हाँ ये फिल्टर भी खोल दिया ऑलरेडी, ये फिल्टर है, हाँ ये वाला यहाँ पे था, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, ये देखने से भी अच्छा लग रहा है पूरा। देखिए मेरा फ्रीडम है अभी भी 11 फ्रीडम डिलक्स वाला, लेकिन इसका ये बहुत सुंदर है। ये लोग कितना प्यार से साफ करके बना रहे हैं, मैं देख के तजब हो जा रहा हूँ। और गाड़ी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है, देखिए ये सब इसके ऊपर चढ़ जाता है गाड़ी, देखिए एकदम इधर से भी, ये देखिए चढ़ा दिया है। आप लोग रही हो, देखिए अभी हवा देने वाला है, इससे हवा निकल रहा है, देखिए सफाई करने के लिए, देखिए बहुत सुंदर। बहुत व्यवस्थित तरीका से यहाँ पे हर चीज़ होता है। यहाँ पे अंदर में काउंटर में भी एक भाई साहब है, देखिए मुस्कुराहट देख के लग रहा है कितना खुशी, सब लोग काम करते हैं। यहाँ से सामान मिला, मेरा सामान आ गया ना, आ गया ना, तो सामान सब दे देते हैं यहाँ से, हर चीज़ मिलता है, एकदम जेन्युइन सामान मिलता है यहाँ से। और देखिए लोग सब कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी माने रॉयल एनफील्ड का ये देखिए पूरा सर्विस सेक्टर है यहाँ पे। भाई लोग देखिए, ये भाई तो पहला दिन मैं आप लोगों को बताया था मेरा पहला गाड़ी वही लेके गया था। यहाँ पे भाई लोग भी, ये देखिए सब अपना अपना काम में बिजी है। आपका नाम बताइए। तापस सदरा। तापस सदरा, हाँ। आपका? मनोज साहू। हाँ मनोज साहू, मनोज साहू, देखिए सब अच्छा अच्छा मैकेनिक्स है ये लोग।
पूरा इनफील्ड को नया बना देगा। उधर भी एक तो है, ये लोग एकदम सवेरे 9:30 बजे तक आ जाते हैं यहाँ पे और काम कर रहे हैं। ये देखिए अरे तो भाई लोग, ये लोग बहुत बिजी रहते हैं एकदम, बात करने का भी टाइम नहीं इन लोगों का। अपना काम इतना निष्ठा के साथ करते हैं लोग। मेरे उधर में भी जो गाड़ी, मेरा अपना गाड़ी के लिए भी कर रहे लोग, हर चीज़ एकदम धीरे धीरे देख के खूबसूरत करके पूरा बना रहे लोग। मुझको तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसे लगेगा बाद में ख़त्म होने के बाद वीडियो देखते रहिए, लेकिन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरा गाड़ी, मेरा बाइक, बार बार मैं गाड़ी बोलता हूँ उसको, क्योंकि 350 cc का है ना, तो बाइक बोलने से थोड़ा मुझको लग रहा है बाइक की तरह नहीं है, गाड़ी की तरह है। ये देखिए पहले एक एक करके काउंटर से आ रहा है सामान, फास्ट सर्विस किट, ये कस्टमर कोड कुछ कुछ दिया हुआ है, ये लगाएंगे गाड़ी में। अच्छा अच्छा, घर के सीट रहता है। अच्छा, ये सब चीज, ये सब लगेगा, फास्ट सर्विसिंग ये सब लगता है, हर चीज़ का सर्विसिंग जरूरी है, आदमी के भी जरूरी है, गाड़ी का भी ज़रूरत है, बाइक का भी ज़रूरत है, नहीं तो अच्छा नहीं रहता। आदमी का सर्विसिंग मुझको लग रहा है धर्म कर्म करने से ही होता होगा, अच्छा काम करने से आदमी का सर्विसिंग हो जाता होगा, और गाड़ी के लिए उसका पार्ट्स बदलने के। देखिए कितना सुंदर करके सब बोल रहे, नीचे से भी जो ब्रेक है उसको थोड़ा रगड़ के सफाई किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्रेक है नॉर्मल ब्रेक नहीं है, ये ब्रेक, ब्रेक को क्या कहते हैं, डिस्क ब्रेक, ये डिस्क ब्रेक में थोड़ा छेदा रहता है, तो ये अच्छे से रगड़ के दे रहा है। अरे फिल्टर टाइप, ये देखिए अभी जो फिल्टर, जो फिल्टर हम लोग खरीदे हैं उसमें अभी देखिए तेल में डुबाया है, इंजन ऑयल है, ये 1 लीटर 700 ग्राम, ये देखिए अभी घुसा दिया है, ये इंजन ऑयल, इसी से पूरा मोबिल को पूरा बॉडी में इसका फेंकेगा ना, इंजन में जाएगा, ये 1 लीटर का तेल अभी 1 लीटर 700 ग्राम डालेगा। ये देखिए पूरा फाइनल एक्ट्रो रेडी करके रखा है भाई लोग, एकदम ये लोग एक्सपर्ट है सब पूरा। और क्या क्या करेंगे बताइए तो भाई, अभी मोबिल ले लेंगे, हाँ उसके बाद टंकी भरेंगे, आप लोग सुन रहे हैं, ये तो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं तो इतना नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो चलाया हूँ तो बहुत मज़ा लगता है गाड़ी चला के, सही में इतना अच्छा लगता है गाड़ी, अभी इसी उम्र में भी मुझको लगता है बहुत दूर तक मैं चला के जा सकता हूँ ड्राइव करके। आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ रहिए, भाई लोगों के साथ रहिए, अभी मेरा गाड़ी का पहला सर्विसिंग आप लोग देखिए मेरे साथ ही। वो देखिए अरे तो भाई, वो पूरा इसको सफाई कर रहा है, डिस्क ब्रेक को क्या क्या कर रहा है बताइए, घिस रहा हूँ अभी, रफ कर रहा हूँ इसको, हाँ अच्छा अच्छा, इसका रगड़ दे रहा है, क्योंकि नहीं तो ब्रेक ठीक से नहीं लगेगा, हाँ बारिश में भीग गया ना इसलिए, ये देखिए ऐसा रगड़ के दे रहा है, बहुत सुंदर से कर रहा है, मेरा गाड़ी मुझको लग रहा है स्पेशल ही कर रहा है, इतना अच्छा है लोग। चलिए इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा गाड़ी को बहुत प्यार से कर रहे हैं लोग। अभी देखिए मोबिल डाल रहे हैं, ये देखिए पूरा 1 लीटर, और देखिए पूरा इंजन ऑयल डाला जा रहा है, 1 लीटर 1.7 लीटर डालेंगे इसमें पूरा, ये देखिए पूरा फनेल में भरा हुआ है एकदम, मोबिल भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने से, साहब जैसा लग रहा है, पूरा साहब के कलर का है ये, कोई भी बड़ा कंपनी का कोई साहब भी लगा देंगे तो मुझको लग रहा है एक ही जैसा लगेगा। देखिए डाल भाई हरिधर में भी काम कर रहे, दोनों भाई मिल के काम कर रहे हैं मेरा गाड़ी का, ये जो डिस्क ब्रेक है इसमें ठीक से नहीं रगड़ेंगे तो ब्रेक स्लिप हो जाएगा, इसलिए सब काम किया जाता है। हाँ हाँ हाँ,
इसको भी किया है, खोल के रखा है, इसके अंदर भी सेविंग किया है पूरा। है देखिए, अच्छा देखिए पूरा डाला जा रहा है मोबिल। इसमें कितना मोबिल था? इसमें थोड़ा ज़्यादा था, उसको हम डालेंगे साथ में, साथ डालेंगे। हाँ तो ज़्यादा जो जो ज़्यादा होगा वो उसको क्या करेंगे फिर? रिटर्न दे देंगे। रिटर्न देंगे, अच्छा वापस ले लेंगे। अभी छत है। हाँ अच्छा, एकदम नाप के देना है? नाप के देना है। ओह, अरे एकदम नाप जोप के देना है, मैंने कम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम है लेकिन। नहीं वो नीचे वाला है। और नीचे वाला तो साथ? अच्छा 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 अच्छा, नहीं डर अभी ठीक लग रहा। इंजन ऑयल तो नहीं है, लग रहा है साहब डाला जा रहा है, इतना अच्छा है देखने से। और पूरा नाप के दिया जा रहा है, रॉयल एनफील्ड का मुझे लग रहा है, इसीलिए इसका रेपुटेशन अच्छा है, कमी बेसी नहीं, एकदम जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है डॉक्टर की तरह, जो प्रेस्क्राइब है इसके लिए वही चीज़ को डाला जा रहा है। देखिए पूरा एक एक करके मैं दिखाते जाऊँगा आप लोगों को, आप लोग रहिए मेरा साथ। अभी देखिए जो नाट, इसको अभी नाट को लगाया गया है, अभी मशीन से टाइट होगा। देखिए सब मशीन से, एकदम मशीन से झपाझप एकदम सुंदर करके टाइट हो गया। हाथ से, हाथ का कोई कारोबार नहीं मेन चीज में, पूरा मशीन से टाइट हो गया। ये खुलेगा भी नहीं ना जल्दी। अभी देखिए सीट कवर खोल दिया गया है, अभी ऑयल टैंक भी खुलेगा, खुला जाएगा ऑयल टैंकी को खोला जाएगा। अभी देखिए खोल रहे हैं लोग, ऑयल टैंकी को क्यों खोलेंगे, इसको खोलने का कारण क्या है? इसको जो है ना टेपिट है ना, टेपिट एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों खोलाता है वो? टेपिट खुलना ही पड़ेगा, ये पाथर से है ना, वो जो टेपिट लूज रहता है भाई में दिक्कत आएगा। ओ कौन सा वाला बताइए? ये वाला था, ये वाला। अच्छा इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, इसीलिए खोल के देखना है। ठीक है, ठीक नहीं है तो ठीक करना पड़ेगा। अच्छा ये तो इसको एक तो ये दिया ना गैस्किट। हां ये गैस्किट लगा के छोड़ देंगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए इसको दिया गया। मतलब ये अपना सावधानी के तौर पे इसको खोला जाएगा और यहाँ पे चेकिंग होगा, सब कुछ ठीक ठाक है तो वाला लगा के फिर छोड़ देंगे। ये देखिए नीचे भी आ गया पूरा, पहले इतना ऊंचा था, अब ये पूरा मशीन से काम हो रहा है। देखिए अब इसको खोला जाएगा। देखिए ये लेकिन बहुत ही मेहनत वाला काम, मैकेनिक्स भाई लोग सही में बहुत मेहनत करके काम करते हैं। देखिए क्या क्या लगा हुआ है पता भी नहीं। यहाँ पे फ्यूल पंप लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्यूल पंप। अच्छा अच्छा, ये फ्यूल पंप का जैक है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर ना, टंकी निकला तो खुलेगा नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा खुल गया। ये देखिए पूरा खोल के इसका ऑयल टैंकी के नीचे का चेहरा देख लीजिए इसका। हम लोग जैसा चमड़े के नीचे पूरा कंकाल रहता है, इसका भी वही टाइप का है, लेकिन अच्छा लग रहा है देखने से। अभी ए वाला खुलेंगे, अभी ये थोड़ा खुल के ये वाला खुलेंगे। अच्छा अच्छा, तो अंदर जो है ना वो देखेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं चेक करना पड़ेगा क्योंकि फास्ट सर्विसिंग है ना, कहाँ कहाँ लूज है, कहाँ कहाँ क्या है, हर चीज़ सब देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो लूज होगा तो बोले। हाँ प्रॉब्लम होगा, सही बात बोले।
वो देखना पड़ेगा उसको ठीक है क्या नहीं है, इसीलिए इसको खुल गया है। अच्छा, बहुत खराब हो गया, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हर बार सर्विसिंग के टाइम चेंज? नहीं, हर बार नहीं है, ये पासेज में होता है और थर्ड फेज में होता है, ये हर बार नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ये अभी चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला जो चेंज हो गया इसका कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है भाई, अब इसके जगह में नया वाला है। ये भी ओरिजिनल ही है? ओरिजिनल ही है। तो देखिए क्या क्या चीज़ जरूरी चीज़ जो चेंज करना पड़ता है, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कोई चीज़ हर चीज़ को एकदम बारीकी से देख के लोग कर रहे हैं, पूरा हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। यहाँ पे काला टाइप है क्या? गलत दिया। अभी ऐसा ये वाला घूम रहा, क्या कर रहा है इसको? ये है ना, इसको मतलब टाइट कर रहा है? नहीं नहीं, टाइट नहीं है, इसको टॉप पोजीशन ना पड़ेगा, टॉप पोजीशन। अच्छा, टॉप आएगा तो ये देखेगा ठीक है क्या ठीक नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, मतलब सही है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेकिंग चल रहा है वो। चेकिंग चल रहा है अभी, देखिएगा जो पहले वाला जो गैसकेट लगा हुआ था उसमें काला काला दाग है, ये दाग को सफाई करने के लिए चीज से सफाई किया जा रहा है। इतना बारीकी से हर चीज को किया जा रहा है यहाँ, शायद ही कोई जगह में होता होगा, यहाँ पे तो बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ हर चीज। थोड़ा आवाज भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारी गाड़ी का काम चल रहा है। ये देखिए पूरा काला काला चीज को एकदम अच्छे से, इसको चेक करना पड़ेगा, ये अभी ठीक है। अंदर से घुसा दिया तो इधर से उधर निकल गया। हाँ निकल गया, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। इसका चौड़ाई कितना? 8 mm। 8 mm है, और ये वाला है 18 mm। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 18 mm इसका। तो ज़्यादा जल्दी घुस गया वो, ये हल्का घुसना चाहिए जल्दी। ओह अच्छा अच्छा, इसका क्या ठीक है? ये टिपिट है, इसको एडजस्ट करना, ये लूज है ना, तो आवाज आएगा इसको। ओहो, इसीलिए देखिए ए वाला घुसा कि इसको चेक किया जा रहा है सही है क्या नहीं। दोनों का इसके लिए अलग से पहले ही प्रिस्क्राइब्ड है, ये सब चीज़ को देखिए एकदम पतला पतला उसी को घुसा के देख रहे हैं। ठीक है, दोनों दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए बोले दोनों ठीक है। अच्छा अच्छा, इसको हम पैकिंग नाम सेट कर देंगे। अच्छा, अभी पैकिंग वाला जो नया लाया गया है, जो नया वाला है इसको हम फिट कर देंगे, नया वाला जिसमें यही वाला है, नया खरीदा गया है। इसके अंदर थोड़ा दूसरा कलर का है? नहीं है, ये है ना, ये खपेगा। अच्छा, इसलिए इसके एल्युमिनियम दिया है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, जय फिटले। यहाँ पे सेटिंग हो रही है, हर चीज़ सुंदर करके सेटिंग करके बना हुआ है इसे। ये देखिए एकदम
इसका सेटिंग भी उसी हिसाब से बना हुआ, बनावट भी ऐसा ही है जिसमें जल्दी जल्दी लग जाएगा। ये देखिए लग गया, उसके साथ सेटिंग हो गया। अभी यहाँ भी इसको सेटिंग किया जाए। ये चीज़ है ना वो, ये भी थोड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर खुल जाएगा। गया था उसको अभी टाइट किया जा रहा है। ये 14 नंबर रिंग है, इसमें टॉप पोजीशन लाया जाता है इसका। पहला वाला काम खत्म, अभी भी रॉयल टैंक के ऊपर सेट किया जा रहा है। अभी ये जो चेन में भी लुब्रिकेंट डाला जा रहा है, अभी देखिए ये वाला, देखिए चेन क्लीन आ पहले क्लीन सर यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर इसको सुखाई जाएगा हवा से। बहुत सारी जुगाड़ है, देखिए हवा के द्वारा उसके लिए फिल्टर लगा सकते हैं। अभी इसका लुब्रिकेंट डाला जाएगा, ठीक है। लुब्रिकेंट सर दिखाइए नाम क्या है। लुब्रिकेंट
पहले क्लिनसर से इसे क्लीन किया गया है, इससे अभी इसको लुब्रिकेंट डाला जा रहा है। डालने से क्या होता है ये? तेल का मेंटेन ठीक होगा। अच्छा अच्छा, तेल करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, 500 किलोमीटर के बाद। तो आप लोग सुने हैं 500 किलोमीटर के बाद लुब्रिकेंट चेन में डालना जरूरी है, नहीं तो चेन का लाइफ माने खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। अभी आप कितना टाइम लगेगा लगभग? अभी धो देंगे। हाँ, लगभग जो काम मेन काम है फास्ट सर्विसिंग का हो गया है। अभी इसके बाद ये सीट लगा देंगे, उसके बाद इसको वॉश करके मैं लेके चल दूँगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग जो अभी तक देख रहे हैं अच्छा लगा मेरे गाड़ी के लिए भी, बाइक के लिए। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, एक भाई साहब से मैं पहले बात करना चाहूँगा। इनके पास आके पहले, ये ऑफिस में बैठे, आप इधर आइए, तो इनके पास आके पहले एक गाड़ी का नंबर के साथ, चेसिस नंबर के साथ एंट्री करना पड़ा। उसके बाद मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा ऐसा क्या क्या सिस्टम करते हैं आप लोग फास्ट सर्विसिंग में। देखिए, फास्ट सर्विसिंग में पहले तो गाड़ी का एंट्री होता है, उसके बाद आपका तो जो जो प्रॉब्लम है गाड़ी में वो तो कम होगा ही होगा, लेकिन फास्ट सर्विस में कुछ कुछ मैंडेटरी है। आपका पहले तो मोबिल इंजन ऑयल 1.7 लगता है क्लासिक में, और एक सर्विस किट लगता है, उसके बाद चेन लूप, ये तीन चीज मैंडेटरी है। इसके बाद कस्टमर का जो जो दिक्कत है गाड़ी में वो भी काम हो जाएगा। आज जो लुब्रिकेंट हर 500 किलोमीटर के बाद लगना पड़ता है? हाँ, हर 500 के बाद लुब्रिकेंट, ये कराने से आपका चेन ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, चेन ठीक रहेगा तो हर चीज ठीक रहेगा, क्योंकि चेन से ही दुनिया कामिल है, क्योंकि एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ बात है। चलिए, धन्यवाद आपसे बात मुझसे बात करने के लिए। अभी देखिए काम धाम चल रहे हैं अभी भी। अभी जो छोटा मोटा काम बचा है उसको कंप्लीट कर दे रहा है, इसके बाद ही हम लोग एक गाड़ी के लोग ले जाएंगे धोने के लिए। अभी धोने के पहले भी जो जो कुछ कुछ नाट टाइट करना बचा है, अंदर में सेटिंग करना बचा है, वो अभी ये लोग सेटिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है और आधा घंटा में मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा। लगभग रेडी हो गया मेरा आज का फास्ट सर्विसिंग। मैं मिस्त्री भाई से पूछूंगा आज के गाड़ी के बारे में, कुछ बताएंगे मुझको। तो भाई लगभग रेडी हो गया है? रेडी हो गया है, रेडी हो गया। तो इसके बाद फिर कितना किलोमीटर बाद मुझको आना है सर्विसिंग कराने? इसके बाद 5000 किलोमीटर यानी 6 मास। हाँ, 6 महीना नहीं तो 5000 किलोमीटर जो पहले होगा। तो अभी इसके बाद क्या करेंगे आप? गाड़ी वॉशिंग होगा। अच्छा, गाड़ी वॉशिंग होगा, उसके बाद मैं लेके जा सकता हूँ। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, बहुत बार बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखिए गाड़ी का लाइट भी चेकिंग हो रहा है। ठीक है ना? तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा गाड़ी को आप लोग अच्छा बना दिए हैं। और अभी सर्विसिंग मतलब वॉशिंग होगा इसका, उसके बाद में गाड़ी को लेके चल सकते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, अभी मेरे साथ ये दुनिया का डेली फोटो, उसका शोरूम है, यहाँ पे सर्विस सेंटर है। मैं एक बार दिखाने बोलूँगा, ये पूरा रॉयल एनफील्ड का हर मॉडल का गाड़ी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अभी ये गाड़ी मेरा रेडी हो गया है बहुत दिन बाद। मैं ये गाड़ी फिर एक बार सर्विसिंग कर लिया हूँ, 250 किलोमीटर हो गया था। तो अभी मैं चलूँगा, आप लोग जो अभी तक मेरे साथ थे, मुझे लगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा। एक अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक बहुत जरूर दीजिएगा। और गाड़ी जो लोग चलाएंगे हेलमेट बिना बिल्कुल मत चलाइए, और लिमिट में रहिएगा। मेरा ये हेलमेट भी है, हेलमेट अभी रेडी हो जाने के बाद मैं अपना वापस जाऊँगा जेएनबी छोड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो भी जहाँ पे रहे खुश रहे अच्छे से रहे, धन्यवाद।